हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए अधिकतर राज्यों ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जल्द ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगा दी जाए तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है। वैक्सीन को लेकर देश भर में तमाम सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि COVID-19 की वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खतरनाक है। ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला स्वस्थ है तो वैक्सीन लगवा सकती है। अगर उसके मन में वैक्सीन को लेकर कोई भी शंका है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार आप वैक्सीन लगवाएं। WHO के मुताबिक अब तक ये भी साफ नहीं हो सका है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के जरिए COVID-19 की वैक्सीन का कोई असर बच्चों तक पहुंच सकता है। ऐसे में महिला वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी ना होने पर ब्रेस्ट फीडिंग जारी रख सकती है। WHO के मुताबिक जो लोग गंभीर एलर्जिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप वर्तमान में कोरोना से संक्रमित हैं तो आपको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है तो वैक्सीन लगवाने से पहले एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। अब ये तथ्य तो सही है कि वैक्सीन लगवाने से हम 50% इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं, बाकी 50% हमारे पे डिपेंड है कि हम कैसे बचें, क्योंकि सरकार अब भी कह रही है कि दवाई भी और कड़ाई भी। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद भी हमें उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है जो सरकार द्वारा हम पे लगाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना, सैनिटाइज करना या हाथ धोना, और साथ ही साथ जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बाहर ही ना निकले। अगर हम ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं बनेंगे तो कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगी और शायद यही हम कोरोना से जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।